मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। सात साल के मासूम की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं ऐसे घिनौने कृत्य ने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जगह जगह पर लोग मासूम प्रद्युम्न को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी कड़ी में ताजगंज रोड स्थित आज मिल्टन स्कूल में शुक्रवार को बच्चों व स्कूली स्टाफ के द्वारा मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गयी। और आज मिल्टन की जो ये पहल है, जो एक तो बच्चे को श्रद्धांजलि दी है, जो प्रद्युम्न मासूम प्रद्युम्न की जो हत्या हुई है उसको श्रद्धांजलि दी गई है, और आज मिल्टन ने जो ये पहल की है बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जैसा कि प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि इसके लिए बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देनी चाहिए, और उनके जो स्टाफ हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी करनी चाहिए, और स्कूल के माध्यम से भी उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। संस्था की ओर से हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और इस विषय में उनसे बात करेंगे। सभी स्कूलों को वो बैठक कर इस निर्देशित करें उन स्कूलों को अपनी सुरक्षा को व्यापक स्थिति। अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, वो सिर्फ बच्चों को स्कूल ना भेजें बल्कि वहाँ से आ रहे बच्चे किस तरह वापस आ रहा है उसके लिए क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो अपने स्कूल जहाँ वो बच्चे को छोड़ रहे हैं उनकी व्यवस्था देखें, उनका कहाँ उनको छोड़ा जा रहा है, किस तरीके से उनको छोड़ा जा रहा है। सीधा टीचर्स पे ही वो करने की वो नहीं है, अभिभावकों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और हम लोग सभी स्कूलों में जाकर के इस तरह की पहल करेंगे। और सभी उड़ान एनजीओ उपाध्यक्ष, जैसे कि मेरे बड़े भाई ने जानकारी दी है कि हम आज यहाँ वो बच्चे के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और सुरक्षा और व्यवस्था के लिए हम एक जिलाधिकारी से मिलके हम लोग और इस विषय पर कुछ ना कुछ रूपरेखा जरूर बनाएंगे। स्कूल के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में सैकड़ों बच्चे व स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य ने घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अभिभावकों को जागरूक होने की जरूरत है, तो वहीं स्कूलों में बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जानकारी देने की बात भी कही। मैं स्कूल की प्रधानाचार्य आज मिल्टन की बताना चाहूँगी कि स्कूल में सभी टीचर्स की और सभी अभिभावक की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को हर बात की जानकारी दें, यदि कोई उनको गलत तरीके से टच करता है तो उसकी भी जानकारी दें, और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ समाज में भी उनको अवेयर होना चाहिए कि किस तरह का उनको व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई उनको प्रलोभन दे रहा है तो उस बात पर ना जाएं, और कोई भी उनके साथ गलत हरकत हो रही है तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को अपने टीचर्स को उसकी जानकारी जरूर दें, और किसी अनजान व्यक्ति से ज़्यादा वो संपर्क न रखें। मैं जो शिक्षा जो स्कूल विद्यालय जो है शिक्षा का मंदिर कह जाते हैं, वो भी ऐसे कृत्यों से अछूते नहीं रहें, उसके लिए उसके लिए तो जागरूक सभी को होना पड़ेगा, शिक्षक के साथ साथ अभिभावक को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी भी हम जांच कराई जाए, उनको बाकायदा पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद ही रखा जाए। स्कूलों में क्या अलग से एकादशा चैप्टर होना चाहिए, एकादशा पीरियड होना चाहिए? हाँ, जरूर होना चाहिए, बच्चों को अवेयरनेस सिखाई जाए, और बच्चों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरा रखा होना चाहिए, और बच्चों को ये भी जानकारी दी जाए कि वो अकेले कहीं भी नहीं जाए, हमेशा अपने साथ किसी न किसी को, और स्कूल में लेडीज स्टाफ की ज्यादा से ज्यादा। आपको बता दें कि इस मौके पर स्कूल से जुड़कर उड़ान जनकल्याण सेवा समिति ने मासूम प्रद्युम्न को मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी, और ऐसे कृत्य बार बार ना हो उसके लिए लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की बात भी कही। अर्थ न्यूज के लिए अधराज सिंह की रिपोर्ट।